बुरहानपुर के गोकुल चंद्रमाजी मंदिर में ब्रिज की तर्ज पर होली के 5 दिवसीय महोत्सव को मनाया गया। साथ साथ छेल छबीला होली गोपियों के संग कृष्ण ने खेली और फाग खेलन बरसाने आए हैं। फाग के गीतों पर कृष्ण और गोपियों के साथ भक्त भी झूम उठे। इसके बाद होली के रूप में राल फेंक कर होली का दहन किया गया। बुरहानपुर से गोपाल देव का रिपोर्ट। होली के महोत्सव के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो पर्व मनाया जा रहा है, जो महोत्सव मनाया जा रहा है, तो होली का उत्साह जो होता है एक अलौकिक उत्साह होता है। सनातन में जितने भी त्यौहार होता है उसमें सबसे ज्यादा उत्साह अगर होता है तो होली के त्यौहार पर होता है। इस मंदिर में जितने भी वैष्णव आते हैं और जो वैष्णव रोज नहीं भी आ पाते हैं वो होली के अवसर पर जो हमारा 5 दिनी महोत्सव चलता है इसमें सारे के सारे वैष्णव जो आते हैं और उत्सव में भाग लेते हैं और उनका जो उत्साह देखते बनता है, उनके चेहरे की जो खुशी है वो देखते ही बनती है। होली का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और 5-6 दिन चलता है इसका प्रोग्राम, बल्कि कहो तो 15 दिन तक चालू ही रहता है और इससे बहुत खुशी होती है सबको। और हमारे मंदिर में तो 15 दिन का टूर ही है, ये बहुत बड़ा उत्साह है। होली का रंग तो एक अलौकिक रंग है, अभी मैंने बताया वो होली का रंग लगना चाहिए। जैसे हमको ठाकुर जी का रंग लग गया, वो कच्चा है भक्त, लेकिन हमारा रंग यदि ठाकुर जी, कभी कोई कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उस कार्य के बिना भगवान को भी अच्छा नहीं लगता। अभी हम मंदिर में जो रोज जाते हैं और किसी कारणवश नहीं आते तो लोग उनको याद करते हैं आज वो क्यों नहीं आए, क्योंकि उनकी कोई विशेष कला है। वैसी कला रंग हमको एक लग जाए कि हमारे बिना भी भगवान को अच्छा नहीं लगे और हम अपना जीवन सफल करें, होली का त्यौहार यही बता।